द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। हमारा देश भारत मोदी जी के मुताबिक अब विश्व गुरु बन चुका है। भारत का विदेशों में जो है वो डंका बज रहा है, या फिर यूं कहें कि मोदी जी का विदेशों में डंका बज रहा है। विदेशों में मोदी जी को आपा सम्मान मिल रहा है। लेकिन ये कौन से लोग हैं दोस्तों जो मोदी जी की नाक कटवाने पर तुले हुए हैं? एक मामला सामने आ रहा है अमेरिका से। हाल ही में पीएम मोदी अमेरिकी दौरे से वापस आए हैं। ये मामला अमेरिका का आ रहा है। अमेरिका में एक भारतीय शख्स वहां पर प्रोविजनल स्टोर चलाता है, यानी कि जहां पर खाने पीने का सामान मिलता है उस तरह का स्टोर अमेरिका में चला रहा है। लेकिन उस पर आरोप लग रहा है कि वो अमेरिकी ग्राहकों के क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स चुरा रहा है। बताइए, अब ये कौन से लोग हैं जो मोदी जी की अमेरिका में नाक कटवाने पर तुले हैं? मोदी जी ने सालों से इतनी मेहनत करके अपनी छवि को वहां पर बेहतर बनाया है और अब ये लोग वहां पर मोदी जी की छवि को खराब करने पर तुले हुए हैं। इस शख्स का नाम पटेल बताया जा रहा है। ये शख्स गुजरात से बताया जा रहा है, यानी मोदी जी के गढ़ गुजरात का ये शख्स बताया जा रहा है। गुजरात के ये शख्स अमेरिका में प्रोविजनल स्टोर चलाता है। प्रोविजनल स्टोर में जहां पर खाने पीने का सामान मिलता है वहां पर ये स्टोर चला रहा है। वहां पर एक अमेरिकी शख्स आता है। उस गुजराती शख्स के प्रोविजनल स्टोर में एक अमेरिकी ग्राहक आता है और उसके बाद वो एक वीडियो बनाता है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में अमेरिकी शख्स बता रहा है कि इसने कार्ड में स्कीमिंग मशीन का इस्तेमाल किया है जो कार्ड की डिटेल्स चुराती है। क्रेडिट कार्ड, जिसमें क्रेडिट कार्ड अगर आप स्वैप करते हैं और क्रेडिट कार्ड के जरिए अगर आप पेमेंट करते हैं, क्रेडिट डेबिट के जरिए पेमेंट करते हैं, तो उसने कैसा इंतजाम कर रखा है जिससे मशीन उसकी क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स जो है वो मशीन इकट्ठा कर लेता है और बाद में ये धोखाधड़ी के काम आती है। ये मामला सामने आया है। अब आप देखिए कि किस तरह से गुजराती शख्स वहां पर जाकर के मोदी जी की नाक कटा रहा है और देश का नाम भी वहां पर खराब कर रहा है। पूरा मामला आपको बताएंगे। वीडियो जो आ रहा है, वीडियो भी आपको दिखाएंगे। सोशल मीडिया पर वीडियो को धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है। कई ट्विटर हैंडल इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं। वीडियो पर मिलियंस में व्यूज जा रहे हैं। लोग कॉमेंट्स में भी उस शख्स को लेकर अलग अलग तरह की टिप्पणी कर रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर साउथ एशियन जर्नल का ट्वीट देखिए। साउथ एशियन जर्नल ने यहाँ पर उस वीडियो को शेयर किया है और लिखा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में एक भारतीय पटेल प्रोविजनल स्टोर के मालिक को अमेरिकी ग्राहकों के क्रेडिट कार्ड विवरण चुराने के लिए कार्ड स्कीमिंग मशीन का उपयोग करते हुए पकड़ा गया, जिसका उपयोग भारत में घोटालेबाज द्वारा अवैध रूप से किया जाता था। तो यहां पर अमेरिकी शख्स आरोप लगा रहा है कि इसने अपने प्रोविजनल स्टोर में जो क्रेडिट कार्ड स्वैपिंग मशीन होती है उसमें कार्ड स्कीमिंग के जरिए ये क्रेडिट कार्ड डिटेल्स जो है लोगों की चुरा रहा है, जो कि एक अपराध भी है और साथ में धोखाधड़ी भी है। लेकिन वहां पर देखिए किस तरह से वो शख्स खुलेआम इसको अंजाम दे रहा है। अब जो पूरे मामले में वीडियो सामने रहा है, अमेरिकी शख्स वीडियो बनाता है, उस मशीन को भी दिखाता है जिसमें कार्ड डिटेल्स चुराई जा रही है और उस शख्स का चेहरा भी दिखाता है जो गुजरात से वहां पर गया है और प्रोविजनल स्टोर चला रहा है, यानी कि प्रोविजनल स्टोर के मालिक का चेहरा भी दिखाता है। आप भी देखिए वीडियो। That's fucking crazy. I'm not gonna pay card. That's fucking crazy, man. तो ये वीडियो आपने देखा कि किस तरह से इस शख्स का चेहरा भी आपने देखा जो वहां पर प्रोविजनल स्टोर चला रहा है और उसके बाद वो अमेरिकी नागरिक कह रहा है कि इसने अपने स्कीमिंग कार्ड के जरिए कार्ड स्कीमिंग के जरिए जो है ये लोगों की क्रेडिट कार्ड डिटेल्स चुरा रहा है और अगर वो इसे नहीं पकड़ता तो आगे कितने लोगों के साथ ये धोखाधड़ी होती या फिर आगे कितने लोगों के साथ ये धोखाधड़ी हो चुकी है, कितने लोगों की कार्ड डिटेल्स उसने चुरा ली है, इसका कोई भी अंदाजा जो है वो नहीं लगा सकता है। तो ये लोग हैं जो भारत का नाम वहां पर खराब कर रहे हैं, जो वहां पर मोदी जी की नाक कटवा रहे हैं, जो मोदी जी वहां पर डंका बजा रहे हैं, अपने लिए तरह तरह की बातें करते हैं, इस तरह के लोग वहां पर जाकर बेइज्जती करवा रहे हैं। अब इस सब पर भक्तगणों का क्या कहना है, ये एक दिलचस्प टॉपिक रहेगा। लेकिन इसी के साथ कुछ और लोगों ने भी इस वीडियो को शेयर किया है, कुछ और ट्विटर हैंडल से भी इस वीडियो को शेयर किया गया है, वो भी आपके सामने रख रहे हैं। आप अपनी स्क्रीन पर क्रेजी क्लिप्स का ये ट्वीट देख रहे हैं। क्रेजी क्लिप ने भी इस वीडियो को शेयर किया है और इस वीडियो को शेयर करते हुए
क्रेजी क्लिप ने लिखा है कि स्टोर मालिक को अपने ग्राहकों पर क्रेडिट कार्ड स्कीमर का उपयोग करते हुए पकड़ा गया। ये वही वीडियो है जो वीडियो आपने देखा जिसमें वो भारतीय शख्स आपको दिखाई देगा और उसके बाद वो अमेरिकी शख्स वीडियो बना रहा है और कह रहा है कि इसने कार्ड स्कीमिंग के जरिए ग्राहकों की क्रेडिट कार्ड डिटेल्स चुराने का काम किया है और ये लगातार ये काम कर रहा है। इसी के साथ मोर क्रेजी क्लिप ने भी इस वीडियो को शेयर किया है। इस वीडियो को शेयर करते हुए यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि स्टोर मालिक अपने ग्राहकों के कार्ड स्कीमर का उपयोग करता है, अपने ग्राहकों के साथ कार्ड स्कीमर का उपयोग करता है और उनकी क्रेडिट कार्ड डिटेल्स जो है वो चुरा लेता है। अब ये क्रेडिट कार्ड डिटेल्स चुराने के बाद ये शख्स क्या करता है, उनका बैंक अकाउंट खाली करता है या इस डेटा को कहीं और बेचता है या किस तरह से ये काम करता है, ये तो वही बता सकता है। लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं कि किस तरह से ये लोग विदेशों में भारत की जो है वो नाक कटवा रहे हैं, मोदी सरकार की भी खिल्ली उड़वा रहे हैं, वहीं मोदी जी की भी नाक कटवा रहे हैं। इसी के साथ आपको याद होगा कि एक और मामला सामने आया था, ये मामला 2022 का था। इसमें एक गुजराती लड़की ने ही अमेरिकियों को खूब बेवकूफ बनाया था और कई करोड़ रुपए उनसे लूटे थे। इसमें वो गुजराती लड़की जो है खुद को यूएस का एजेंट बताया करती थी और जूम ऐप के जरिए उनसे वीडियो कॉल किया करती थी और उसके बाद अमेरिकियों को जमकर लूटती थी। पूरे मामले का जब भंडाफोड़ हुआ तो पूरी का पूरा मामला सामने आया। आप अपनी स्क्रीन पर वो आर्टिकल भी देख रहे होंगे, दैनिक भास्कर का ये आर्टिकल है जिसमें आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा कि गुजराती गर्ल ने किस तरह से जो है अमेरिकियों को बेवकूफ बनाया। वो खुद को यूएस का एजेंट बताया करती थी और इस पूरे मामले का भंडाफोड़ जो है वो ग्वालियर की एक स्पेशल क्राइम ब्रांच ने किया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से मोदी जी जो अपार सम्मान बटोर रहे हैं, अपार विश्व गुरु जो है वो देश को बना रहे हैं, इसको लेकर किस तरह से लोग वहां पर नाक कटवा रहे हैं। ये गुजरात का ही शख्स बताया जा रहा है जो वहां पर प्रोविजनल स्टोर चला रहा है और वहां पर कार्ड स्कीमिंग के जरिए अपने ग्राहकों की कार्ड डिटेल्स चुराने का काम कर रहा है। सोचिए कितना खतरनाक हो सकता है, किस तरह से वो शख्स बिना किसी परिणाम के परवाह किए वहां पर इस तरह की धोखाधड़ी कर रहा है, लोगों की निजी जानकारी चुरा रहा है, लोगों की निजी क्रेडिट कार्ड्स की जानकारी चुरा रहा है और उसके बाद इसका वो क्या करता होगा, ये तो वही बता सकता है। इसी के साथ हाल ही में एक और मामला आया था जिसमें एक चीन का नागरिक गुजरात में बैठकर गुजरातियों को उसने खूब ठगा था, कई करोड़ रुपए जो है उसने बना लिए थे। एक सट्टेबाजी ऐप उसने बनाया और उस सट्टेबाजी ऐप के चलते लोगों को इनवाइट किया और उसमें कई करोड़ रुपए का घोटाला उसने कर लिया था। अपनी स्क्रीन पर वो आर्टिकल भी देख रहे होंगे। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि किस तरह से लगातार जो है वो घोटाले बढ़ते जा रहे हैं और साथ ही भारतीय जो अमेरिकी या दूसरे देशों में जाकर इस तरह का घोटाला कर रहे हैं, प्रोविजनल स्टोर के नाम पर लोगों की कार डिटेल्स चुरा रहे हैं, ये बेहद गंभीर है और इससे देश की जो छवि है आप सोचिए किस तरह की छवि पड़ती होगी। वो अमेरिकी नागरिक भारतीयों को लेकर क्या सोच रहा होगा, उस शख्स को लेकर क्या सोच रहा होगा जहां से वो शख्स आया है, गुजरात से है, जहां से भी है, जहां से भी वो शख्स आया हो उसके लेकर क्या सोच रहा होगा और उसके दिमाग में किस तरह की छवि पैदा हो गई होगी कि ये लोग जो है किस तरह का काम यहाँ पर आकर के करते हैं। आप गुजराती शख्स के इस कारनामे को लेकर क्या सोचते हैं, जिस तरह से ये प्रोविजनल स्टोर अमेरिका में चला रहा था और उसके बाद ये कार्ड स्कीमिंग के जरिए क्रेडिट कार्ड डिटेल्स चुराता हुआ पकड़ा गया, इसे लेकर क्या सोचते हैं हमें कॉमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। द लाइव टीवी सच सबसे आगे।